है ना? इसीलिए तो तुम्हें जीतना है जमुना, जीतना ही होगा तुम्हें। और नए साल पर तुम मुझे अपनी इस जीत का तोहफा दोगी जमुना। तुम सभी को हराओगी, कोई भी तुम्हें विचलित ना कर सके। मेरा सिर किसी के भी सामने झुकने मत देना। पापा, सिर नीचे क्यों झुकेगा? मेरा सिर नीचे, मेरा सिर नीचे क्यों झुकेगा यह जानकर तुम क्या करोगी? कॉफी पियो जमुना, और कॉफी पीकर बताओ कैसी बनी है। कैसी है? बहुत बढ़िया। बस घर के बेटे ही कॉफी बना सकते हैं ना, हम लोग तो जैसे कॉफी बना ही नहीं सकते। कल सुबह तुम्हें साथ लेकर पूजा करने जाऊंगा, समय से तैयार रहना। तुम्हें लेकर मंदिर जाऊंगा, कैसे भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, और उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा ही। जमुना, ये पापा को क्या होता जा रहा है? तुम्हें जीता हुआ देखने के लिए उनकी दीवानगी बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे लगता है कि वो किसी को हारा हुआ देखने के लिए ज्यादा जुनूनी हो रहे हैं। तुम ये क्या कहना चाह रही हो, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ जमुना। मैं ठीक बोल रही हूँ, वो जरूर किसी को हारता हुआ देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो मेरी जीत को पक्का करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम ये किसकी बात कर रही हो? तुझे जीतना होगा, तुझे कंपटीशन में सभी को हरा कर जीत का ताज पहनना है, यहाँ तक कि उस ता... ये तो 11 ही हुए, उसमें एक और नाम होगा ना, पार्टिसिपेंट्स तो 12 हैं, तो फिर एक और नाम किसका है? एक औरत है। अच्छा, क्या नाम है? तान्या। बहुत रात हो गई है, सोने जाओ जमुना। तान्या कौन है पापा? नहीं, कुछ नहीं। लीजिए कॉफी पीजिए। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो अरे जमुना, संगीत, श्री पल्लवी, कहाँ हो तुम सब? बहुत देर हो रही है, कितना टाइम लग रहा है तुम लोगों को तैयार होने? ताऊ जी, ये देखिए हम तो तैयार हैं। अरे ठीक है, पर गीत, संगीत, जमुना, ये सभी कहाँ है? मेरी समझ में नहीं आता मंदिर जाने के लिए इतना टाइम कौन लगाता है। छाया, जाओ जाकर सभी को बुला कर लाओ, कह दो कि मंदिर के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, जाओ जल्दी जाओ। तुम दोनों भी देखो जाकर कितना समय लगा रहे हैं, समझते ही नहीं, हद हो गई। आप
इस समय यहाँ पर? एक्चुअली आज जमुना के कंपटीशन का इनॉग्रेशन है, तो उससे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। नहीं नहीं, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर और स्ट्रेटजीज को लेकर के। मतलब जमुना जो परफॉर्म करने वाली थी उसमें कुछ बदलाव करने, उसमें थोड़ा और बेटर करने की कोशिश की। अंकल, अभी तो हम सब मिलकर मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आप कुछ देर इंतजार कर सकते हैं, मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ। तब तक आराम से बैठिए ना यहाँ पर। नहीं जमुना भाभी, नहीं, वो इस घर में इंतजार नहीं करेंगे। इनके लिए तो इस घर में बैठने के लिए एक चेयर तक भी आगे नहीं दी जाएगी। इनफैक्ट ये खुद इस घर में नहीं रुकना चाहेंगे। गीत, मैं जानती हूं आप जमुना भाभी के मेंटर हैं, लेकिन आप कोई भी हो पर मैं तो आपको थोड़ा अलग तरह से जानती हूँ। मतलब कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, या फिर शायद आप किसी से। गीत, तुम चाहे कितनी भी दबी आवाज में बात करो पर सब सुनाई दे रहा है। हमारे आसपास आसपास बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारी और मेरी उम्र को तुम अच्छे से याद रखो। तुम्हारे पिता का सम्मान, इस घर की मालकिन अनुराधा राय का सम्मान। बस बस बस, रहने दीजिए। आपके मुंह से ये नाम अच्छा नहीं लगता। आप उनका नाम अपने मुंह से ना ही लें तो अच्छा रहेगा। गीत, गीत सुनो, हमें चलना चाहिए, देर हो रही। आप उन्हें समझा दीजिएगा जमुना भाभी कि वो ध्यान रखें मैंने जो इन्हें अभी समझाया है। इन्हें आपकी वजह से यहाँ आने का मौका मिला है, लेकिन इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश ना करें। अंकल, अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप गीत की बात का बुरा मत मानिए, प्लीज यहाँ से ऐसे मत जाइए। यही तो एक बड़ी परेशानी है। तुम मेरे मन में ऐसी जगह बना चुकी हो, मेरी सगी बेटी भी होती तो मैं उससे ज्यादा तुम्हें मानता। तुम्हें तो मैं छोड़ भी नहीं सकता। बहुत बेइज्जत किया है जिस लड़की ने। अब मैं इस घर में रुकूं भी तो किस लिहाज से। मैं गीत की तरफ से माफी मांगती हूँ। आप प्लीज गीत की बातों को गलत मत समझिए। अंकल ठीक है, आप अभी घर जाइए और जैसे ही पूजा हो जाएगी तो मैं आपके घर आ जाऊंगी, ठीक है? प्लीज अंकल। ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना, अब हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। तुम अब कुछ और बजाओगी, तुम अब कुछ और परफॉर्म करोगी। लेकिन मैंने तो इतनी प्रैक्टिस की है।
जमुना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो जो परफॉर्म कर रहे हैं उन चीजों पर कोई नजर रख रहा है। कौन जासूसी कर रहा है? वो एक मेंटर है। किसका अंकल? तानिया की मेंटर। उसी बात को लेकर के मैं फिक्रमंद हूं, चलता हूं। क्या कहा? हाँ? क्या कहा उन्होंने? नहीं पापा, कुछ खास नहीं। मैं क्या बजाऊंगी, कब कैसे प्रैक्टिस करूंगी, क्या परफॉर्म करूंगी, समय कम है तो बस यही सब वो मुझे बता रहे थे। चलो चलते हैं, हमें देर हो रही है। अब तो हद ही हो गई। कमाल है, चमत्कार, असाधारण। महाराज, न्यूज़पेपर में सभी एडवर्टाइजमेंट देखने पूरे हो गए होंगे ना? अरे आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपको कुछ होश भी है? वहाँ कितनी धूमधाम हो रही है। अरे रागिनी, आखिर हुआ क्या है? महाभोज, महाभोज हो रहा है, भयंकर खाना पीना चल रहा है। अरे वो तो हर बार होता है। हाँ हर बार होता है, ये बात मुझे भी पता है, मैं इस घर की बेटी हूँ। लेकिन इस बार कुछ और है। इस बार वजह ये है कि जमुना ढोली घर पर है। वो राय खानदान का उद्धार करने निकली है, और वो तो देश का भी उद्धार करने वाली है। कॉम्पिटिशन में जाकर वो बाजा बजाएगी और हम सभी धन्य हो जाएंगे। मैंने तो सुना है कि प्रेस भी आ रही है उसकी तस्वीरें लेने, और वो न्यूज मैगजीन्स में छपेंगी। आप सोच भी सकते हैं, एक साधारण ढोली की बेटी, उसकी फोटो न्यूज मैगजीन्स में? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कितने दिन अब और परेशान करेगी? तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि इस कंपटीशन में वो बिल्कुल जीत नहीं पाएगी। अरे इतना आसान है क्या? शादी हो गई है तो आज नहीं तो कल घर गृहस्थी में उलझ जाएगी, और ये जो घर की बहुएं होती है ना, कंपटीशन जीतना उनके बस की बात नहीं। कितने पिछड़े हुए और धकियानुसी विचार हैं आपके। घर की औरतें माँ हो सकती हैं, घर की औरतें घर चला सकती हैं, लेकिन वही घर की औरतें जीत नहीं सकती। वैसे ये किसने कहा आपसे? फिजूल में ही इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम पहले जीत कर तो दिखाओ जमुना, बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं। जीतूंगी तो मैं ही, हर हाल में जीतूंगी। एक मिनट बस करो, हाँ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, पता है कितना जीतेगी। बड़ी बुआ, आप ना आप बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल भी नहीं बदली, आप तो वैसे की वैसी हैं। और फूफा जी, आप घर पर बैठकर क्या कर रहे हैं? आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपके हाथों एक फैक्ट्री सौंप देने की बात चल रही है, तो जाइए जाकर भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, बहुत बड़ी बात है ये। या फिर पापा को शुक्रिया कहिए। जमुना, जबान संभाल कर बात करो। बड़ी बुआ जी, उंगली नीचे करके बात कीजिए। मैं आपको सम्मान देकर बात कर रही हूँ, तो बदले में मैं भी आपसे सम्मान की उम्मीद करती हूँ। अगर मैं इस घर में नहीं होती ना, तो आज शायद आप लोग कहीं रास्ते पर होते, फुटपाथ पर। पर आप नहीं समझेंगी, आखिर आप कब समझेंगी बताएंगी? नहीं, इस जन्म में तो नहीं समझेंगी, है ना? बड़ी बुआ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मैं सबका भला चाहती हूँ, आप लोगों का भी भला ही चाहती हूँ। तुम मेरा भला कभी नहीं चाह सकती जमुना, किसी भी जन्म में नहीं। और किसी दिन अगर तुमने मेरा भला चाहा भी, तो मैं तुम्हारा कभी भला नहीं चाहूंगी, कभी भी नहीं, चाहे तुम मेरे सामने कितना भी नाटक कर लो। नाटक मैं नहीं करती बड़ी बुआ, नाटक करना मैंने सीखा ही नहीं। हमारे लिए कहा जाता है कि हम मिट्टी के इंसान हैं, हम लोग जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं, और नाटक कौन करता है ये आप अच्छे से जानती हैं। खैर छोड़िए,
प्रसाद। बड़ी बुआ प्रसाद, मैं तुम्हारे हाथ का प्रसाद नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, हटो। रुक जाइए माँ, आप दोनों क्या हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे? भगवान के प्रसाद से भी आपको दिक्कत है, इससे तो आप दोनों को पाप लगेगा। तुम चुप रहो, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो, समझी? बहुत बोलने लगी हो तुम आजकल, और हो भी क्यों ना, चमची जो ठहरी। पल्लवी तुम चुप करो, मेरे लिए आप लोग आपस में प्लीज झगड़ा मत कीजिए। और पल्लवी तुम जल्दी से नीचे जाओ, हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे, सब इकट्ठे होंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? बहुत एंजॉय करेंगे, चलो। हाँ, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही जमुना, क्योंकि ये घर अब घर नहीं रहा, ये तो तमाशा घर हो गया है, रंगमंच हो गया है। अब यहाँ पर कोई घर गृहस्थी की बातें नहीं करता, यहाँ बस नाच गाना होता है, तुम्हारे इशारे पर सारा काम और तुम्हारे इशारे पर नाच होता है। नहीं बड़ी बुआ, इस घर में सब खुशियों में शामिल होना जानते हैं। आप बता सकती हैं कि सारा दिन हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग सारा दिन पूरे घर के काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, उस काम से डरते भी हैं, चिंता भी करते हैं, सोचते हैं, टेंशन लेते हैं। दरअसल हम सब लोग ना दिन भर रेस में शामिल रहते हैं, किसकी कितनी इनकम है, खुद को अच्छा कैसे रखना है, हम सब बस यही सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं, चिंता ही नहीं करते। अगर हम सब मिलजुल कर खुशियों के थोड़े पल बिता लें तो इसमें क्या हर्ज है बड़ी बुआ? खैर जाने दीजिए। बड़ी बुआ, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब मैं कंपटीशन के लिए निकलूंगी तो सभी बड़ों के पैर छूकर जाऊंगी, और उस वक्त मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए, आपका भी। आपके पास और कोई काम ही नहीं है, सारा दिन बैठकर बस कूटनीति करते रहते हैं। रुक जा पल्लवी, पल्लवी अपनी बेटी की बातें सुनी? सुनी ना, क्या बोलकर गई, बदतमीज हो गई है। अच्छा सुनिए, जमुना ने वैसे एक बात गलत नहीं कही है? क्या गलत नहीं कहा? एक्चुअली अंधे मामा से तो काना मामा ही बेहतर है ना। हाँ अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप कारखाने का काम सीख लीजिए, अच्छे से सीखिए, क्योंकि देखिए बड़े भैया, आज नहीं तो कल कुछ ही दिनों में कारखाने का कागज हमारे नाम पर तो कर ही देंगे। कुछ ना कुछ तो इनकम होगी, कम से कम कुछ ना कुछ तो हमारे पास भी आएगा। राय परिवार की बेटी की ये हालत, थोड़े से पैसे पाने के लिए इस घर में ऐसे पड़ी रहेगी? रॉकी तुम गए थे? गया था, स्टेज भी देख कर आया, कंपटीशन का। क्या देखा, कैसा है सब कुछ? जबरदस्त मामला है, बहुत बड़ी मात्रा में ऑडियंस होगी, प्रेस और मीडिया भी रहेगी, शो देखने वालों के घर घर तक पहुंच जाएगा उस जमुना ढोली का बाजा। और अगर वो जीत गई ना तो आप सोचो हमारा क्या होगा। रॉकी, किसी भी कीमत पर मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। उसके चैंपियन बनने के सफर में कांटा है, बहुत ही बड़ा कांटा। अच्छा जमुना चलो रेडी हो जाओ, देर हो रही है। अब गीत चलो, तुम लोग भी चलो, अपनी भाभी को तैयार कर दो। हाँ चलो, चलो। अच्छा सुनो वेद, रोक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप सभी? पापा जमुना तैयार होने जा रही है, हमें निकलना है, आज उसका कंपटीशन है। सही कहा, और जमुना यहाँ से बिल्कुल महारानी की तरह जाएगी, देखते ही सब समझ जाएं कि राय परिवार की बहू है, सोना चांदी हीरे मोती से सजा कर हम इसे भेजेंगे। दीदी मैं भी चलती हूँ आपको सजाने। हाँ कृष्णा तुम आओ ना, चलो।
हाँ, उसे गहने तो मैं ही पहनाऊंगा। ठीक है, तो फिर अपनी भाभी को साड़ी मैं पहनाऊंगी। ठीक है फिर, तो सखी को मैं गाड़ी से कंपटीशन वेन्यू पहुंचा दूंगा। रुक जाइए सब लोग। आज मैं अपनी बेटी की परीक्षा लूंगा। कैसी परीक्षा? इतनी बड़ी प्रतियोगिता में जा रही है मेरी बेटी। मैं उसका पहला गुरु हूँ। मैंने उसे ढोल के बोल सिखाए हैं। तो आज वो गुरु को हरा कर ही उस प्रतियोगिता में जाएगी, वरना नहीं। बाबा? हाँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गंगा? अभी इन सब का समय नहीं है। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब करने की क्या जरूरत है? उसे तैयार होने दीजिए। नहीं मालिक, अगर वो मुझे हरा पाए तो ही मैं मानूंगा कि वो इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गई है, वरना नहीं। आप लोग पता नहीं वो क्या मॉन्टार और बड़ी बड़ी भारी भारी बातें करते हैं ना। वो लोग चाहे जितना भी सिखा दे, मैं इसकी रग रग को पहचानता हूँ। मैं आज देखना चाहता हूँ उसके हाथों में दम है कि नहीं। अगर उसने अपने पहले गुरु को हरा दिया तो मैं जान जाऊंगा कि वो तैयार हो गई और जीत होगी उसकी। बेटी जा, ढोल लेकर के आ। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने गंगा ढोली। समुद्र से पहले चुल्लू भर पानी में कूद कर देखो, कहीं वहीं तो नहीं डूब जाओगी। मेरी बहू जमुना डूब जाने वालों में से बिल्कुल नहीं है। श्री छाया, जाओ ढोल लेकर आओ। हाँ, अभी लेकर आई बड़े मालिक। चल उठा ढोल, बजा। हाँ तो गंगा, अब क्या कहोगे? जीतेगी, मेरी बेटी ही जीतेगी। Hehehehe
दीदी को जीतना ही होगा। मेरी दीदी जरूर जीतेगी। मेरे बाबा जैसे ढोली को जिसने हरा दिया हो उसका जीतना तो तय है, मैं जानती हूँ। सिर्फ यही नहीं, अभी भी जमुना के हाथ का दर्द पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और फिर भी वो जीत गई। अब जल्दी चलिए वरना देर हो जाएगी। हाँ, जाओ और जल्दी से उसे तैयार करो। बड़े भैया, आज हम सभी लोग बैठकर जमुना का प्रोग्राम टेलीविजन पर देखेंगे, ठीक है? देखूंगा, मतलब मैंने अपने सारे जानने वालों को फोन कर दिया है, सभी से टीवी देखने के लिए कहा है। आखिर मेरी बहू परफॉर्म करने जा रही है। जमुना, आप केवल जमुना क्यों कह रहे हैं, कहिए जमुना ढोली। प्रशांत, क्या बोल रहे हो? इन पर चिल्लाने से क्या होगा भैया? हाँ, सच तो आखिर सच ही होता है। वो तो ढोली ही है। ढोली तो वो है ही, लेकिन ये मत भूलिएगा कि वो ढोल बजा लेती है, इसीलिए आज उसे ये मौका मिला है। आपकी तरह वो ज्ञान की ढपली नहीं पीटती। आजा भैया, अपनी बीवी को गहने पहना दे। ड्राइवर तैयार है और ये असिस्टेंट ड्राइवर भी रेडी है। चलो। अरे बस बस बस, खुश रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू।
अरे नहीं नहीं जमुना। मेरे पैर मत छुओ जमुना, तुम जीतने जा रही हो, उसके लिए तुम्हें बस अपने भगवान और गुरुजनों का ही आशीर्वाद चाहिए। आप ही तो मेरे भगवान हैं, मेरे पति, और कहते हैं ना पति परमेश्वर। हेलो हेलो, जमुना निकल चुकी है कंपटीशन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए। ठीक है, मैं भी पहुंच जाऊंगी, देखती हूँ उस जमुना में कितना दम है, और अगर आज मैंने देखा कि जमुना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर बस और बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ। बस याद रखना कि जमुना ये कंपटीशन ना जीते, उससे हम जीतने नहीं देंगे। अरे बाबूजी चलिए, अरे अरे शुरू चल रहा हूँ। आप यहाँ कर बैठ जाइए। आइए बड़े भैया, यहाँ बैठिए। हाँ बैठता हूँ। रुकिए पापा, मैं बिल्कुल आगे बैठकर देखने वाली हूँ। हाँ आप बैठिए यहाँ पर। नहीं बेटा ठीक। ए श्री, टीवी ऑन करो ना जल्दी। माँ कहाँ है? माँ वो शायद रसोई घर में होंगी। नहीं बड़ी मालकिन ऊपर दादी के कमरे में उनके साथ ही देखेंगी। अच्छा बड़े मालिक, आपको क्या कुछ खाने के लिए ला दूँ? आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, अभी तो जमुना का शो शुरू होने वाला है ना। अच्छा एक काम करो। जी बताइए। तुम वो आलू प्याज गोभी के गर्मा गर्म पकौड़े तल कर लिया जाओ। क्या कह रहे हैं आप पापा, इतनी रात को कोई आलू प्याज गोभी के पकौड़े खाएगा क्या? हाँ तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? अरे कॉन्सेप्ट को समझो, इस तरह के प्रोग्राम गर्मा गर्म चाय नाश्ते पकौड़ियों के साथ ही देखा जाता है। और नहीं तो क्या, अरे पकौड़ियाँ खाएंगे और प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। मालिक बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सब गर्मा गर्म पकौड़ियों नाश्ता हो तो बहुत मजा आ जाता है। थोड़ी देर में मेरी बिटिया की प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी ना। एक मिनट, तुम्हारी बेटी कैसे? तुम्हारी बेटी नहीं, अब वो मेरी बहू रानी है, मेरी बेटी है। मालिक वो तो ठीक है पर बेटी तो मेरी है। ओहो अब वो तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है, उसकी शादी हो गई है। अब जमुना हमारे घर की बहू है, हमारी बेटी है। जाओ जाओ, तुम्हारी अब एक ही लड़की है, उसी को लेकर खुश रहो, जाओ। बाप रे आप कितना जलते हैं। हाँ बिल्कुल जलन होगी, जमुना के मामले में जरूर जलन होगी, मैं खुद मानता हूँ। पापा चुप हो जाइए ना, देखने दीजिए, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, देखने दीजिए ना। लो देखो क्या वहाँ भी ढोल बज रहे हैं।
नमस्कार, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के सामने आज मैं प्रियंका रिद्धिपाल इस कार्यक्रम की शानदार शुरुआत के साथ आप सभी को पहले बैसाख पर नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी को बहुत सारा प्यार। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के शो में ताल द रिदम। इस शानदार शो में आप सभी के लिए म्यूजिक के डिफरेंट कलर्स होंगे। इस प्रोग्राम में राज्य के विभिन्न प्रांत से आए हुए प्रतिभाशाली कलाकारों ने हिस्सा लिया है और उन सभी की अब आपस में होगी जोरदार लड़ाई। क्या मुश्किल है, जमुना को कब दिखाएंगे? यही एंकर कब से बकबक किए जा रही है। हाँ पापा, दिखाएंगे दिखाएंगे, थोड़ी देर रुकिए आप, वही तो बता रही है वो। ताल द रिदम, शुरू करते हैं प्रोग्राम को इस परफॉर्मेंस से। आपके सामने आने वाली है चमक से भरपूर एक और प्रतिभा, लेकिन उससे पहले हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर वापस आऊंगी आगे की प्रतिभा मैं प्रियंका। तब तक के लिए आंखों को टीवी स्क्रीन से ना हटाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बारी है आपके बीच हमारे प्रतियोगियों के परिचय की। नहीं, वो लोग केवल अपने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजाएंगे, क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजेगा एक खूबसूरत गाना और गाने के साथ तालमेल बैठाते हुए ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे और उसके बाद हम सभी को परिचय देते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। अभी दीदी को दिखाया था। अरे जमुना भाभी, पापा पापा देखिए, जमुना भाभी को दिखा रहे हैं।